फ्रेंड्स देखिए 2017 में स्टार्ट हुआ था 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो वाला ट्रेंड। यहाँ पर जो मतलब 2018 में भी जो भी स्मार्टफोन आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाले, साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा रूमर्स में चलने वाला फोन, सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला फोन जो भी है रेडमी नोट 5, वो भी आपको देख के अकॉर्डिंग 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ मिलने वाला है। लेकिन आप चाहते हैं कि 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो वाला फोन जिसमें कि कम वेदर्स जैसी देखती है 10,000 रुपए के अंदर, तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो कि आपको 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ मिलते हैं। और कोई भी फोन 10,000 तक का भी नहीं है, इससे नीचे ही प्राइस में आपको सारे फोन देखने को मिलते हैं। और अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। और मेरा नाम है मान प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोमैक्स की तरफ से, तो माइक्रोमैक्स का 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो वाला फोन जो कि अब तक मार्केट में काफी मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उसी ने गेन की है, मतलब माइक्रोमैक्स के फोन सभी फोन्स में से उसी ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, वो है माइक्रोमैक्स कैनवस इन्फिनिटी जो कि आपको अमेज़न पे मिलता है 8,680 रुपए का, जाके आप अभी खरीद सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहां आपको 5.7 इंच की 720p यानी कि HD प्लस 18 टू 19 एक्सपेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर जो कि क्लॉक्ड है 1.4 GHz पर, और एड्रिनो का 308 GPU। रैम की बात करें तो यहाँ आपको 3GB रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और 13 MP का कैमरा बैक में है, और 13 MP अगर आपको कम लगा तो यहाँ फ्रंट में आपको मिलता है 16 MP का कैमरा। खैर यहाँ पर मिसिंग बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप नहीं मिलता है। खैर फोन लेकिन फिर भी यार डुअल कैमरा सेटअप मेरे हिसाब से कोई ज्यादा काम नहीं आता, काम मतलब यूटिलाइजेशन तब होता है जब 2x ऑप्टिकल जूम के लिए डुअल कैमरा सेटअप को यूज किया जाता है, क्योंकि आप बोके इफेक्ट या पोर्ट्रेट मोड जिसे आप बोलते हैं वो तो यार मेरे हिसाब से डुअल कैमरा सेटअप को इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता यार। तो यहाँ पर बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको 2900 mAh की बैटरी यानी अप्रॉक्सीमेट 3000 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली, तो यहाँ पर जो है आपको एवरेज परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है, एवरेज भी नहीं थोड़ी से ऊपर ही मिलेगी क्योंकि सिर्फ 100 mAh ही तो कम है यार 3000 mAh से, तो यहाँ पर मतलब बैटरी आपको ओवरऑल अच्छी मिल रही है। इसमें स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर है जो कि आपको मतलब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफी क्वालिटी वाले माने जाते हैं, साथ ही यहाँ पे एड्रेनो का GPU ऑब्वियसली यार स्नैपड्रैगन के साथ आपको GPU एड्रेनो का ही मिलेगा, और यहाँ पर स्क्रीन जो है वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर इस प्राइस रेंज में अगर आप 18 के एक्सपेक्ट रेशियो वाला फोन देख रहे हैं तो इसके साथ आप जा सकते हैं। और बाकी यार अगर आप डुअल कैमरा वाला स्मार्टफोन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं इनफोकस विजन 3 के साथ, जिसमें कि आपको बैक में मिलता है 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप बैक में, तो यहाँ पर फ्रंट में 8 MP का कैमरा है। यहाँ पर इस फोन में जो है आपको फ्रंट में LED फ्लैश नहीं मिलती जो कि आपको माइक्रोमैक्स कैनवस इन्फिनिटी में दोनों आगे और पीछे दोनों साइड LED फ्लैश मिलती थी, यहाँ पर नहीं है वो। यहाँ पर बैटरी है वो है 4000 mAh की, तो यहाँ पर बैटरी के साथ अगर आप चाहते हैं डुअल कैमरा सेटअप तो इस फोन के साथ जा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी बहुत कम है, यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो है 7,000 रुपये अमेज़न पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ प्रोसेसर में आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो बात कुछ ऐसी है कि आपको मिलता है मीटर का MT6737 प्रोसेसर जो कि 1.3 GHz का क्लॉक्ड है, और GPU मिलता है माली का T720MP2 प्रोसेसर, और रैम थोड़ी कम है जो कि है 2GB, और रोम भी आपको 16GB की मिलती है। तो यहाँ पर मतलब बैटरी लाइफ और आप कैमरा परफॉर्मेंस आप चाहते हैं रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिस कर रहे हैं अगर, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कैनवस इन्फिनिटी, लेकिन प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर कैनवस इन्फिनिटी में आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है, यहाँ पर 13 MP का बैक में 16 MP का फ्रंट में कैमरा है, बैटरी थोड़ी कम है लेकिन मेरे हिसाब से यार आपके डेली यूज के लिए बहुत है। मेरा जो अगला फोन आता वो है टेक्नो कैमोनाई जो कि फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसकी प्राइसिंग है 9,300 रुपए। यहाँ पर मतलब प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर उसके प्राइसिंग के हिसाब से स्पेसिफिकेशन आपको मिल रहे हैं लेकिन मतलब इतने ज्यादा नहीं मिल रहे क्योंकि आपको वही सेम MT6737 प्रोसेसर मिलता है, मीटर टेक का 1.3 GHz पे क्लॉक, और एड्रेनो का GPU नहीं, यहाँ पर माली का T720MP2 प्रोसेसिंग यूनिट मिल रही है, यहाँ पे ग्राफिकल और 5.65 इंच की 720 HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल रही है, 13 MP का बैक में और 13 MP का फ्रंट में कैमरा है, दोनों में ही फ्लैश है, और बैटरी हुआ है 3500 mAh की। तो ये भी मतलब कोई ज्यादा इतनी प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहा है अपने स्पेस को, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो अगला फोन आता है वो आता है iWoomi i1s की तरफ से, तो ये जो फोन है वो भी आपको डुअल कैमरा सेटअप के साथ मिलता है बैग में, यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 7,499 रुपए, और ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर। तो इसकी स्क्रीन जो है वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, यहाँ पर जो स्क्रीन है वो 5.45 इंच की 640p डिस्प्ले है, यहाँ पर 720p भी नहीं है, HD से थोड़ा कम रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वही MT6737 मीडिया टेक का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर माली का T720MP2 प्रोसेसिंग यूनिट है, ग्राफिक की
और 3GB RAM 32GB ROM है यहाँ पर, मतलब रैम रोम थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। और आपको रियर में जो रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है वो रहता है 13+2 MP का कैमरा, तो वो भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कोई ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का कैमरा जिसका फोकस फिक्स है, ऑटो फोकस या फिर जो है वेरिएबल फोकस इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है फ्रंट कैमरे में। और यहाँ पर मतलब 3000 mAh की बैटरी है, तो मतलब कोई ज़्यादा इतना इंप्रेसिव फोन नहीं है ये। अपने प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बैलेंस फोन आपको दिया जाए, इसके कहा जाए बोले बैलेंस फोन आप इसे जाके ले सकते हैं। मैं यार वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये 10,000 के नीचे है तो आपको बताना तो ज़रूरी है ही। बट यार जो अगला फोन आता है वो आता है Zopo Flash X1, जो कि फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ जो फोन है वो मिलता है आपको एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 7,000 रुपये की, जो कि आपको मिलती है इनफोकस विजन 3 की। तो यहाँ पर जो 5.5 इंच 640p डिस्प्ले है, ये भी यहाँ पर कोई डिस्प्ले कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर 1.3 GHz का MT6737 प्रोसेसर है, Mali-T720 MP2 ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, 2GB RAM 16GB इंटरनल स्टोरेज और 8 MP का रियर में कैमरा, 5 MP का फ्रंट में कैमरा है। रियर कैमरा में आपको फ्लैश मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी है 2500 mAh की, जो कि ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक्सपेक्टेड प्राइस में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ मिलना है, ये फोन ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा 5,000 रुपये आपको मिलना चाहिए अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो। अगर इससे ज़्यादा प्राइस में अगर ये फोन लॉन्च होता है तो डेफिनेटली इसका लेना कोई भी मतलब बनता नहीं है। बस यार ये थे 5 फोन्स, इसमें से कि मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ सबसे बढ़िया आपको मतलब स्पेसिफिकेशंस अच्छी मिलती हैं, प्राइस पॉइंट आपका 10,000 रुपये तक का बजट है, तो इस हिसाब से आपको मतलब जाना चाहिए यहाँ पर कैनवस इन्फिनिटी के साथ, माइक्रोमैक्स का कैनवस इन्फिनिटी। और वहीं अगर आप चाहते हैं डुअल कैमरा सेटअप, उससे मतलब आप चाहते ही हैं 18:1 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ बैटरी के साथ, तो यहाँ पर जा सकते हैं इनफोकस विजन 3 के साथ। लेकिन यहाँ पर मतलब आपको प्रोसेसिंग यूनिट थोड़ी कम मिलती है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। मीडियाटेक प्रोसेसर को मतलब इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि बुरी होती है। नहीं यार, मीडियाटेक के प्रोसेसर इतने भी बुरे नहीं होते हैं, आप एक बार उसे चांस देके देखिए। और बस यार मेरे हिसाब से बस आपको अगर आप कैमरा देखते हैं डुअल कैमरा तो इनफोकस विजन 3 के साथ, वरना अगर आप कैनवस इन्फिनिटी को लेते तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन यहाँ पर एडिनो का GPU, रैम भी अच्छी मिल रही है, रोम भी अच्छी मिल रही है, और बैटरी थोड़ी कम है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम है, यहाँ पर आपके नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है। बट ये थे आज कुछ 10,000 रुपये के अंदर 18:9 यानी बेजल ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, जिसमें से एक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वेट करने का कोई मतलब नहीं है उस फोन से, क्योंकि फोन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी वीडियो रही हो हेल्पफुल, आप डिसाइड कर पाएं इससे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए 10,000 रुपये के अंदर 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ, तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को यार लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और टेक न्यूज रोज अपलोड करता हूँ। डेली 2 वीडियोस आपको देता हूँ मैं अपने चैनल पर, जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो मिस ना हो तो आप जाके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।